एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ आपकी दुआ से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेकफिड फलूदा की रेसिपी, और ये बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो मैं चलती हूँ इसे बनाने के लिए। लेकिन हे गाइस, ये है बेकफिड फलूदा का मिक्स पैक, और इसे 5 से 6 लोगों के लिए आप इसे बना सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। प्राइस की बात करें तो ये 55 रुपीज़ की है, और इसकी नेट क्वांटिटी 200 ग्राम है। और इस पैक में क्या क्या ऐड है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें शुगर है ज़्यादा क्वांटिटी में, वर्मीशीली है, सब्जा सीड ऐड है, फूड कलर है, और इसमें किशमिश है, और ये रोज फ्लेवर का है। वैसे कई फ्लेवर के भी आते हैं। ये मैंने घर के पास ही में एक शॉप है तो मैंने वहीं से परचेज किया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आप पे इजीली आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, और बेकफिल फलूदा का जो बैग है सीजर से हम कट कर लेंगे, और सारा इसमें हम निकाल लेंगे। बॉल में कोई भी पैक का सामान हो तो आप पे बर्तन में निकाल ही के चेक करके डालें। तो इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो मैं इसे छन्नी से छानकर थोड़ा सा चीनी मैं निकाल लूँगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं 2 टीस्पून के करीब मैंने चीनी को अलग कर दिया छन्नी से छानकर। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा दे सकती हैं, और मैं चेक कर लूँगी जब फलूदा उसमें ऐड करूँगी। मीठा कम लगा तो मैं 1 टीस्पून दे सकती हूँ। बेकफिल फलूदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और गैस ऑन करके मैंने बॉयल करने के लिए रखा। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी, आप चाहे तो 1 कप और भी ऐड कर सकती हूँ। और एक बॉयल आने तक का मैं वेट करती हूँ। दूध में बॉयल आ चुका है 10 मिनट के लिए, और इसलिए दूध की क्वांटिटी कम होने तक इसे बॉयल करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध के ऊपर क्रीम आ गई है, और 10 मिनट के लिए मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। तो क्रीम को दूध में अच्छी तरह से मिला दे चम्मच की हेल्प से। तो इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी बेकफील्ड फलूदा, और इसे चम्मच की हेल्प से सबको दूध में अच्छी तरह से आप मिला लें। जब तक इसमें बॉयल ना आए तब तक इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है, और इसे मैंने टेस्ट करके देखा था तो मीठा थोड़ा कम है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून और इसमें चीनी ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह से सबको मिला के चला लीजिए। भैया जो है तो थोड़े से और पकेंगे, तो कुछ मिनट के लिए और इसे पकाना है। तो मैं चेक करके दिखा देती हूँ, सिवाई सॉफ्ट हुआ है नहीं। तो देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसे थोड़ा सा और पका लेना है। और वैसे तो ये रेडी हो चुका है, और इसे मैं लो टेम्परेचर पे रखूँगी। लो टेम्परेचर के बाद इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। तो देख सकते हैं लो टेम्परेचर हो गया है, मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। ध्यान रहे डीप फ्रीजर में नहीं रखना है। इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल क्रीमी सा ये फलूदा लग रहा है। आपने देखा ना कि बहुत ही आसान है बनाना, सिर्फ 1 लीटर दूध और बेकफिल्ड फलूदा का 1 पैक चाहिए। तो अब मैं इसे साइड रख देती हूँ, अब इसे मैं सर्व करती हूँ। तो फलूदों को अच्छी तरह से मिलाते हुए गिलास में डाल दे। अब यहाँ पर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें सब्जा सीड भी ऐड कर सकती हैं। और ये गर्मियों में पीने से काफ़ी रिफ्रेश फील होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है इसे पीने से। जरूर ट्राई करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करें, बहुत ही बढ़िया लगता है पीने। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आइसक्रीम भी वैनिला फ्लेवर का, आप चाहे तो कोई और फ्लेवर का भी दे सकती हैं। अब इसके बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दूंगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेकिन अब तक मैंने जितनी भी रेसिपी की वीडियो बनाए हैं अब तक किसी ने नहीं लाइक किया है, नहीं उतने सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।